बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल अरबिक स्वीट की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है। इसे हम बनाएंगे स्पून के साथ और टेस्ट में ये बिल्कुल है जलेबी की तरह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक बोल में मैदा डालेंगे। ये मैंने छान लिया था मैदा। अब इसमें जाएगी एक अदद अंडे की जर्दी, और पूरा अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर ये जर्दी डाली है। नमक शामिल करेंगे 1/4 चम्मच, सादी वनीला एसेंस 2 ड्रॉप, और अब इसमें हम शामिल करेंगे नीम गर्म दूध। तो इस रेसिपी को जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा दूध ले लीजिएगा, आधा पानी ले लीजिएगा। तो जितना इसमें मैं दूध इस्तेमाल करूँगी वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले तो हम सारे लम्स को डिज़ोल्व कर लेंगे और एक स्मूसा बैटर बनाएंगे। तो इस बैटर में से सारे डिसॉल्व कर लिए हैं लम्स, और अब हम इसमें मज़ीद दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हमने बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना और ना बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, तो कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल पोरिंग। अब इस स्टेज पे हम बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच। साथ ही हम सिरका डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हमने फेंटना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस बैटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लिया है, और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सा कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम शुगर सिरप को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सॉस पैन में 1.5 कप चीनी डालेंगे हम मेजरिंग कप से। साथ ही इसी कप से हम शामिल करेंगे 1.5 कप ही पानी। तो इस रेसिपी के लिए हम 2 तार का शीरा तैयार करेंगे। पानी मैंने उसी कप से डाला है जिस कप से मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, तो ये मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है मैंने। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे केवड़ा एसेंस। तो 1/2 चाय का चम्मच शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस का। अब इस स्टेज पे साथ ही हम शामिल करेंगे हरी इलायची, जो कि मैंने 3 से 4 अदद ले ली थी, और इसका मुंह खोल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे चीनी को डिजॉल्व कर लेंगे, और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक कि इसमें 2 तार नहीं बन जाता। तो शीरे को हमने कुक होने के लिए छोड़ दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, और जब तक ये 2 तार का शीरा तैयार नहीं होता, जब तक कि इसको पकने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने बैटर को प्लेट में निकाल लिया है और तेल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे चावल के कफगीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हर किसी के घर में मौजूद होता है, और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि इसमें बैटर जो है वो हमारा चिपक सके। अब ये जो एक्सेस वाला है उसको हल्का सा हटाएंगे, थोड़ा थोड़ा तेल इसमें लगा रहने देना है, और अब हम इस चम्मच को इसमें लगाएंगे बैटर में, और इस तरह से इम्प्रेशन देना है हल्का सा घुमाते हुए। ध्यान रखना है कि बाहर ना आए ये बैटर हमारा। देखें, इसमें इम्प्रेशन आ चुका है, एक्सेस को हम निकाल लेंगे इस तरह से, और अब हम डालेंगे इसको गरम तेल में। गरम तेल है लेकिन आज हमने बिल्कुल लो कर दी है, लो फ्लेम रखनी है, और अगर हम इसको गरम गरम तेल में और हाई फ्लेम पे ही डालेंगे तो ये चिपक जाएगा, बैटर हमारा निकल नहीं सकेगा। इस चम्मच को तेल में डालने के बाद आपको तकरीबन 10 सेकंड्स का वेट करना होगा। जब ये लगे कि ये जो बैटर है वो रिलीज़ होने लगा है, चम्मच से छूट रहा है, तो आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से हिलाना है, और ये देखो खुद ब खुद बाहर निकल आया है। इसमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। अब सेम तरीके से हमने चम्मच को गर्म करना है, टिश्यू पेपर की मदद से हल्का सा तेल को हटाना है, और ये बैटर को लगाने के बाद हमने फिर दोबारा से तेल के अंदर डालना है। तो यही प्रोसेस करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, और ये देखें किस तरह से आराम से ये बैटर जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो पेशेंस रखते हुए इसको इसी तरह से बनाते जाएंगे। बाकी के तमाम को भी हमने इसी तरह से बनाना है। सेम तरीके से चम्मच को पहले हम तेल में गरम करेंगे, टिश्यू पेपर के साथ इसको हम रिमूव करेंगे हल्का सा, और डिप करेंगे डो में, और इसको हम डालते जाएंगे इसी तरीके से और बनाते चले जाएंगे। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, बस छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, और रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। अब जो तो थोड़ी सी गोल्डन होती जाएंगी उसको हम निकालते जाएंगे, और ये देखें हो गई है फ्राई, इसको साइड में कर देते हैं, और बाकी की तमाम को भी इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे।
तो देखिए हमारी बेहतरीन सी स्पून जलेबी बनके तैयार है, बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन सा मैंने इसको कर लिया है फ्राई। अब हम इसको करेंगे शीरे में डिप। तो यहाँ पे मैंने 2 तार का शीरा बना के तैयार कर लिया है और हल्का सा नीम गरम है, तो इसमें हम डाल के इसको बस डिप करेंगे हल्का सा और निकाल लेंगे। इसको सोक नहीं करना होता, बस डिप करना होता है और निकालना होता है। तो इसी तरह से बाकी के तमाम स्पून जलेबी को हम डालते जाएंगे, हल्का सा डिप करेंगे और निकाल देंगे प्लेट में। तो ये देखें तमाम को मैंने प्लेट में निकाल दिया है शुगर सिरप के साथ डिप करके। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लोग जो कि मीठा खाने के शौकीन होते हैं तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है। अब मैं दिखा देती हूँ उसका लुक कि ये अंदर से कितनी क्रिस्पी और जूसी सी बनती हैं, और ये देखें। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस रेसिपी के एंड में एक छोटी सी दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हम जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। वो लोग जो परेशानियों में और बीमारियों में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उन सब की बीमारियों को और परेशानियों को जल्दी से दूर फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। घर पर रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।